हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स के देख रहे हो। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ हिमाचल में जो अभी अपकमिंग वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं और मेरे को बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हिमाचल में जो वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए कब आएंगी। सो इसकी पूरी डिटेल जानकारी जो है मैं इस वीडियो के अंत तक दे रहा हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, सो डेट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से कुछ गाइडेंस ले सकें। तो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिमाचल में अभी कौन सी वैकेंसीज आने वाली, कौन कौन सी स्ट्रीम उसमें एलिजिबल रहने वाली है। बहुत ही जल्द हिमाचल में जो है HPPSC के अंडर जो है वो जूनियर इंजीनियर की 100 वैकेंसीज और असिस्टेंट इंजीनियर की 15 वैकेंसी जो है वो अनाउंस होने वाली है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर सिविल PWD डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट में और असिस्टेंट इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो निकल चुकी हैं। सो अगर आप हिमाचल के एस्पिरेंट हैं और आप ये चाहते हैं कि हिमाचल में आपको जॉब करनी है एज ए ऑफिसर, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है। इसको बिल्कुल ही मिस ना करें। जो बहुत लंबे समय से आपने पढ़ना छोड़ दिया है और सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, सो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, बिकॉज जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 to 4 months में ये एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा नोटिफिकेशन के बाद, और वही स्टूडेंट्स फाइनली सिलेक्ट हो पाते हैं जो पहले से प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं। सो अगर सही ढंग से एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपेयर करेंगे तभी इन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको हम क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा वहम रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं को हम क्रैक करके चले जाएंगे और उसमें से डिट्टो क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये टाइम चेंज हो चुका है, अभी एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है। शायद आपने एक नया एग्जाम पैटर्न देखा नहीं देखा, मैं फिर भी इस वीडियो में एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। डिटेल एग्जाम पैटर्न के लिए आप जो है वो दूसरी वीडियो में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको वहां से चेक कर सकते हैं। अभी जूनियर इंजीनियर का और असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम है पेपर वन में पेपर टू में रहेगा। पेपर वन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल रहेगा और पेपर टू जो है वो टेक्निकल रहने वाला है, और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव में रहेगा और जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। सो अभी एग्जाम पैटर्न भी लेटेस्ट आ चुका है। सो पुराने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से और ऑर्थोडॉक्स सोच के हिसाब से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैम करके पेपर ये निकल जाएगा, तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है बहुत लंबे समय के बाद हिमाचल में वैकेंसी देखी जा रही हैं। सो जितने भी लास्ट 4 to 5 years के स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो जो 20 onwards के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें अपीयर करेंगे। सो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सो वही स्टूडेंट जो है वो क्रैक कर पाएगा जो सिंसियरली एफर्ट से प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर टेस्ट दे के अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करके जो एग्जाम अपीयर करेगा वही स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। सो अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है और हिमाचल का जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो इसके लिए इंजीनियर्स के ग्रुप आपके लिए स्पेशल जो बैचेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में लेके आया है। ऑफलाइन आप चल सेक्टर 34 जो हमारा सेंटर है वहाँ पर लगा सकते हैं, और इधर ऑनलाइन जो हमारा ऑनलाइन लाइव सर्वर है उस पर जो क्लासेस चलती हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, वहाँ पे आप जो है वो क्लासेस लगा सकते हैं। टीचर्स ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम रहते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो परमानेंट टीचर्स हैं, वही लोग आपको पढ़ाते हैं। कोर्स की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस जो हिमाचल का स्पेशल जो कोर्स चलाया जा रहा है इसमें जूनियर इंजीनियर का बैच अलग से और असिस्टेंट इंजीनियर का बैच अलग से चलाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करेंगे उनको डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है जो इस बार पूछा जाएगा उसके हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी, और साथ साथ में जूनियर इंजीनियर की जो तैयारी आपको साथ में करनी है उसके लिए ऑब्जेक्टिव में भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो पूरा प्री प्लान्ड जो करिकुलम है हमने डिज़ाइन कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ECG से पढ़ के जो है अपनी स्टेट में जो है JEE और AE एज ए वर्क कर रहे हैं। इस बार आपकी टर्न है और आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं अपनी स्टेट में जाके AE और JEE बनने का। सो फर्दर किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.engineerscareer.in पे जाके विजिट कर सकते हैं, और आइदर हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855-7544-2 पे भी जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे साथ वहाँ पे पर्सनली जो है 1-to-1
जो है अपनी डिस्कशन कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं, और आइदर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके तो आपको अपने सारे डाउट जो है वो हमारे से क्लियर कर सकते हैं। फर्दर हिमाचल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। सो अगर आप हिमाचल के सिंसेयर एस्पिरेंट हैं और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे वो हिमाचल का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।